जय हिंद दोस्तों। देखिए जनवरी 2024 यानी नया साल का जो पहला महीना है दोस्तों, इसमें टोटल 6 नया सरकारी और बड़ा भर्ती निकल के आ गया है, जिसके लिए आप फॉर्म को भर सकते हैं जनवरी 2024 में। इस पे 10वीं लेवल, 12वीं लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, आईटीआई वालों के लिए तरह तरह का दोस्तों क्वालिफिकेशन के लिए तरह तरह का पोस्ट निकल के आ चुका है, तो सारे के लिए आप फॉर्म को भर सकते हैं। हो सकता है आप जनवरी में 2 वैकेंसी भर पाइएगा या फिर 3 वैकेंसी भर पाइएगा, तो जो जो वैकेंसी आपकी क्वालिफिकेशन से मैच करेगा आप उस सब के लिए वैकेंसी को अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। एज लिमिट भी देखना जरूरी है, अप्लाई करने में कितना पैसा लग रहा है ये भी जानना जरूरी है। तो इस वीडियो में दोस्तों आपको हम संपूर्ण जानकारी देंगे, A to Z इन्फॉर्मेशन देंगे, क्या क्या योग्यता है सब चीज बताएंगे, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। और जनवरी 2024 में इन सारी वैकेंसी के लिए फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारे लिस्ट पर जो एक नंबर की वैकेंसी दोस्तों, वैकेंसी नंबर 1, ये वैकेंसी कहां से निकल के आया है, तो ये वैकेंसी में, ठीक है, ये वैकेंसी निकला है बैंक में। बैंक में दोस्तों टोटल जो सीट निकला है दोस्तों वो 484 वैकेंसी निकला है, ठीक है। 484 जो ये सीट निकला है ये है सफाई कर्मचारी का, समझ में आ गया। तो काफी बढ़िया वैकेंसी है, बैंक में सफाई कर्मचारी का क्या काम हो सकता है आप सोचिए, तो काफी बढ़िया, अपने आप में बहुत अच्छा जॉब है दोस्तों, ठीक है। 484 सफाई कर्मचारी का सीट है। अप्लाई डेट की बात करेंगे दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा, 20/12 से, देखिए 20/12/2023 से इसका ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन चालू है, ठीक है। लास्ट डेट है दोस्तों 9 जनवरी 2024, 9/01/24 तक इसका फॉर्म भराएगा, तो आप लोग आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं, अभी भी इसका टाइम बचा हुआ है, ठीक है। योग्यता की बात करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा योग्यता क्या होना चाहिए, तो देखिए योग्यता इस पे मांगा है दोस्तों 10th पास, आप साधारण सा 10वीं पास हैं तो आप इसके लिए फॉर्म को आसानी से भर सकते हो, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों अप्लाई करने में कितना पेमेंट करना होगा, तो देखिए तो दोस्तों इतना आपको पेमेंट करना पड़ेगा फॉर्म को भरने के लिए, समझ में आ गया। तो पहला वैकेंसी हो गया दोस्तों बैंक में सफाई कर्मचारी का, 484 टोटल सीट यहां पर निकल के आ चुका है, काफी बढ़िया वैकेंसी है, भरिएगा जरूर, ठीक है। योग्यता सिंपल सा 10th पास मांगा है। अब दोस्तों वैकेंसी नंबर 2 जो निकल के आया है, देखिएगा वैकेंसी नंबर 2 जो निकल के आया है, ये दोस्तों निकल के आया है JSSC की तरफ से, झारखंड पुलिस का, ठीक है। JSSC की तरफ से दोस्तों झारखंड पुलिस का बंपर पदों पर वैकेंसी निकाला गया है पूरे 8 साल बाद, तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। टोटल जो सीट निकला है भाई 4919 पदों पर वैकेंसी निकाला गया है कांस्टेबल पोस्ट के लिए, ठीक है, तो काफी बढ़िया वैकेंसी है। इस पर दोस्तों बात कर लेते हैं अप्लाई डेट के बारे में, तो देखिए 15 जनवरी 2024 से इसका ऑनलाइन चालू हो रहा है, लास्ट डेट रहने वाला है 14 फरवरी 2024 तक आप फॉर्म को भर पाइएगा, ये दोस्तों डेट याद रखिएगा। और एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, इस पे करेक्शन के लिए भी 3 दिन आपको एक्स्ट्रा टाइम देगा, लेकिन आप गलती ही क्यों करोगे जो करेक्शन करना पड़े, फॉर्म को सावधानी से भरना, ठीक है, तब ताकि गलत ना हो, फोटो सिग्नेचर बढ़िया से अपलोड करना, सब चीज बढ़िया से करना ताकि गलती ना हो जाए, ठीक है। ये दोस्तों हो गया। अब बात करेंगे इस पे एज क्या मांगेगा, देखिए उम्र सीमा कितना होना चाहिए दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा इस पे एज मांगा है कम से कम 18 साल, देखिए कम से कम 18 साल, अधिक से अधिक दोस्तों 25 साल जनरल कैंडिडेट का, ठीक है। यदि आप BC1 और BC2 हैं तो आपका 27 साल, 2 साल आपको छूट मिलेगा, यदि आप महिला हैं तो आपको 3 साल छूट मिलेगा, 28 साल, ठीक है। और यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं, महिला हैं या पुरुष हैं कुछ भी है, तो आपका 5 साल छूट मिलेगा SC ST को, तो 30 साल हो जाएगा, तो ये है इसका एज लिमिट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस पे फी कितना लगेगा, तो देखिए इस पे फी कोई ज्यादा नहीं लग रहा है, 100 रुपया पेमेंट लग रहा है जनरल OBC EWS का, बाकी दोस्तों SC ST और महिलाओं का कितना लगेगा, 50 रुपया पैसा लगेगा, ठीक है। SC ST का 50 लगेगा, महिलाओं को 100 ही देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि विज्ञापन में लिखा हुआ है कि SC ST का 50 रुपये पेमेंट, महिलाओं का वहां पर जिक्र नहीं है, और लिखा है कि बाकी सभी का 100 लगेगा, इसका मतलब फीमेल को भी 100 ही पेमेंट करना होगा, ठीक है, और 50 रुपये SC ST को। अब बात करेंगे दोस्तों इस पे योग्यता क्या होना चाहिए, देखिए योग्यता जो मांगा है दोस्तों इस पे योग्यता मांगा है 10th पास,
ठीक है दोस्तों, तो आपका कितनों भी परसेंटेज है, साधारण सा 10वीं पास है तो आप फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं, झारखंड पुलिस में सिपाही बन सकते हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों वैकेंसी नंबर 3 के बारे में। वैकेंसी नंबर 3 जो है ये कहां से निकल के आया है, तो देखिए दोस्तों ये वैकेंसी निकल के आया है यूपीएससी, जिसको बोलते हैं एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी के द्वारा दोस्तों एनडीए फर्स्ट का वैकेंसी निकल के आ चुका है। काफी बढ़िया वैकेंसी है। इस वैकेंसी को भरने के बाद आप तीनों सेनाओं में नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो काफी बढ़िया मौका है, और इतनी कम उम्र में एनडीए पास करके आप ऊंचे ऊंचे पदों पर देश की सेवा कर सकते हैं। ऊंचे ऊंचे पदों पर दोस्तों सेंट्रल जितना भी फोर्स है हमारा, उस पर आप लेफ्टिनेंट वगैरह बन सकते हैं, तो काफी हायर पोस्ट होता है। ठीक है, तो एनडीए हर साल दो बार निकलता है, तो जनवरी में पहला एनडीए निकल गया। टोटल सीट जो निकाला दोस्तों वो निकाला गया 400 टोटल सीट है। टोटल सीट कितना है, 400 निकाला गया। अप्लाई डेट देख लीजिए, 20 दिसंबर से ऑनलाइन चालू हो रहा है, 20/12/23 से लास्ट डेट इसका है दोस्तों 9 जनवरी 2024। देखिए 9 जनवरी 2024 तक आप फॉर्म को भर पाओगे। ठीक है, अप्लाई करने में कितना पैसा देना पड़ेगा, तो ₹100 पैसा लगेगा जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का, बाकी का दोस्तों इस पे पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, इनका फ्री में फॉर्म फिलअप हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका फी है। एज लिमिट की बात करेंगे, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो एज लिमिट ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपका एज होना चाहिए 2 जुलाई 2005 से, देखिए ध्यान दीजिएगा 2/07/2005 से लेकर के आपका क्या मांगा है 1/07/2008, ये दो तिथि के बीच यदि आपका डीओबी है तब आप फॉर्म को भर सकते हैं एनडीए में। ठीक है, ये दो जो हम डेट लिखे इसके बीच में आपका यदि जन्मतिथि आता है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। और हाँ एक बात, ये भी जन्मतिथि यदि आपका है तो भी भर पाओगे, ये भी जन्मतिथि यदि आपका है तो भी आप फॉर्म को भर पाओगे। ठीक है, एज तो मैंने बता दिया। योग्यता की बात करेंगे तो मांगा है 12th पास, आर्ट साइंस कॉमर्स सब चलेगा। ठीक है, क्या मांगा है, 12th पास है तो फॉर्म को आप भर पाओगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अब बात करते हैं वैकेंसी नंबर 4 के बारे में, इसके बाद हम इसको मिटाएंगे फिर आपको बताएंगे। तो देखिए वैकेंसी नंबर जो 4 है दोस्तों, ये वैकेंसी निकाला गया है यूपीएससी सीडीएस। देखिए यूपीएससी सीडीएस, सीडीएस मतलब कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। ठीक है, यूपीएससी पास करके दोस्तों एनडीए से ऊंचा ऊंचा पोस्ट में आप जा सकते हो, सेना में अधिकारी बनने का आपका सबसे बड़ा मौका है यूपीएससी सीडीएस। ठीक है, समझ में आ गया, जैसे कि आर्मी में आप ऊंचे ऊंचे पोस्ट में जा सकते हो, एयरफोर्स में एकदम विंग कमांडर से ऊंचे ऊंचे पोस्ट में जा सकते हो, तो काफी बढ़िया वैकेंसी होता है सीडीएस। समझ में आ गया, अपने आप में एक प्राउड जॉब होता है। समझ में आ गया, तो ये इस पे दोस्तों टोटल सीट निकला है 457 सीडीएस का दोस्तों वैकेंसी निकल के आया है। अप्लाई डेट की बात करेंगे तो 20/12 से ऑनलाइन चालू है, देखिए 20 दिसंबर 2023 से ऑनलाइन चल रहा है, 9 जनवरी 2024 तक फॉर्म भराएगा, तो 9 जनवरी 2024 से पहले फॉर्म भर दीजिएगा। इस आपका डेट नहीं बढ़ता है, इतना ध्यान दीजिएगा कि एक बार जो डेट निकल गया वही पक्का है, एकदम इसको मजाक में मत लीजिएगा, 100% सीरियस होकर फॉर्म को भर दीजिएगा, डेट बढ़ने का इंतजार मत करना। अब बात करेंगे अप्लाई करने में कितना पैसा लगेगा, तो देखिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का दोस्तों ₹200 इस पे पेमेंट करना होगा, बाकी का दोस्तों इस पे पैसा देने की जरूरत नहीं है, इनका फ्री में फॉर्म फिलअप हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों एज लिमिट, एज लिमिट क्या होना चाहिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आपको हम यहां पर दिखा रहे हैं कि 2 जनवरी 2001 से लेकर के, देखिए 2 जनवरी 2001 से लेकर के आपका होना चाहिए कितना, 1 जनवरी 2006 के बीच, 1 जनवरी 2006 के बीच यदि आपका डीओबी है तो दोस्तों आप फॉर्म को भर सकते हैं, इस बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। और एक बात, यदि ओटीए के लिए यदि आप फॉर्म भरोगे ओटीए पोस्ट के लिए, तो आपका 2 जनवरी 2000 से लेकर के 1 जनवरी 2006 के बीच आपका डीओबी है, फिर भी भर पाओगे, उस पर 1 साल आपको एक्स्ट्रा मिला है। ठीक है, तो ये है इसका एज लिमिट। क्वालिफिकेशन समझ लीजिए दोस्तों, किसी भी सब्जेक्ट में यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, आपने डिग्री कर रखा है, तो आप फॉर्म को भर पाओगे। ये ग्रेजुएशन लेवल का है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज है, और ये 12th लेवल का।
का है, समझ में आ गया। चलिए टोटल चार वैकेंसी हम बता दिए, अब आपको हम बताते हैं वैकेंसी नंबर पांच। देखिए दोस्तों वैकेंसी नंबर पांच जो निकाला गया है इसको समझना बहुत जरूरी है। ये निकल के आ गया दोस्तों UIIC, ठीक है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, जो कि भारत सरकार का दोस्तों सरकारी वैकेंसी है। इस पे टोटल जो सीट निकाला है दोस्तों 300 वैकेंसी है, 300 वैकेंसी आपका असिस्टेंट पोस्ट के लिए है। तो जो 300 सीट है दोस्तों ये सहायक पद के लिए निकाला गया है, असिस्टेंट है, पोस्ट का नाम है असिस्टेंट। इस पे अप्लाई डेट की बात करेंगे तो 18 दिसंबर से इसका ऑनलाइन चालू है, चलेगा 8 जनवरी 2024 तक, 8/01/24 तक आप फॉर्म को भर सकते हो। अब बात करेंगे अप्लाई करने में कितना पेमेंट करना होगा। देखिए दोस्तों फीस पे थोड़ा ज्यादा है, ₹1000 पेमेंट करना पड़ेगा जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को, बाकी का दोस्तों इस पे 250 पेमेंट मांगा है SC ST का, समझ में आ गया। ये है इसका पेमेंट। अब देख लेते हैं एज कितना होना चाहिए, तो कम से कम 21 साल आपका फॉर्म भरने के लिए होना चाहिए, अधिक से अधिक दोस्तों 30 साल, प्लस में ओबीसी को 3 साल छूट मिलेगा, SC ST को 5 साल का उम्र में छूट मिल जाएगा, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन देख लेते हैं दोस्तों, क्वालिफिकेशन आपका चाहिए डिग्री, किसी भी सब्जेक्ट में यदि आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप फॉर्म को भर पाइएगा, काफी बढ़िया वैकेंसी है, इस सब में कंपटीशन बहुत कम रहता है, जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सिंगल एग्जाम में नौकरी मिलेगा, ठीक है। तो काफी बढ़िया वैकेंसी, इसको जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। अब बात करेंगे दोस्तों वैकेंसी नंबर 6 के बारे में, तो वैकेंसी नंबर 6 जो है ये कहां से निकल कर आया भाई, ये वैकेंसी अपने आप में बहुत बढ़िया वैकेंसी है, इसको भी आप लोगों को डाल देना है, ठीक है, एकदम 2024 में पक्का नौकरी लेकर के दिखाना है। देखिए वैकेंसी नंबर 6 जो है दोस्तों ये निकल के आया है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों वैकेंसी नंबर 6 जो है ये निकल के आया है CSIR, ठीक है। तो CSIR का मतलब होता है दोस्तों कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, समझ में आ गया। इस पे 444 दोस्तों टोटल सीट निकला है, 444 पद का जो नाम है वो है SO, मतलब सेक्शन ऑफिसर, और ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, तो दो तरह का वैकेंसी निकला है, 444 टोटल सीट है। अप्लाई डेट की बात करेंगे तो 8 दिसंबर से इसका ऑनलाइन चल रहा है, 12 जनवरी इसका लास्ट डेट है, ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों एज लिमिट देख लीजिए, एज कितना होना चाहिए, तो एज आपका कम से कम 18 साल मांगा है, अधिक से अधिक 33 साल, प्लस में 3 साल और 5 साल छूट मिलेगा, 3 साल ओबीसी को, SC ST को 5 साल का एज में यहां पर छूट देखने को मिल जाएगा। अप्लाई करने में दोस्तों कितना पैसा इस पे देना पड़ेगा, तो देखिए इस पे ₹500 आपको पेमेंट करना होगा जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का, बाकी अदर का कोई पैसा नहीं लगेगा, इनका फ्री में फॉर्म फिलअप हो जाएगा SC ST का, ठीक है। योग्यता की बात करेंगे दोस्तों, इस पे क्वालिफिकेशन आपका चाहिए डिग्री, किसी भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप फॉर्म को भर सकते हो। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि नया साल में जनवरी में सिर्फ यही वैकेंसी आ रहा है, अभी और वैकेंसी निकल के आने वाला है। सबसे बड़ा वैकेंसी रेलवे देगा, रेलवे ALP टेक्नीशियन, हालांकि उसकी वैकेंसी अभी आई नहीं है इसलिए हम यहां पर नहीं शामिल किए, वो भी वैकेंसी बहुत जल्द आ रही है। झारखंड में भी 2-3 वैकेंसी अभी आने वाला है जनवरी में, ठीक है, तो एकदम 100% तैयार रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि कौन सा वैकेंसी निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, सारा हम बोर्ड में लिख करके बढ़िया से आप लोगों को समझा देते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम को आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा यदि आप नहीं किए, तो सबका PDF हम वहां पर दे देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप इन 6 वैकेंसी के लिए फॉर्म भर पाइएगा, जो भी आपका क्वालिफिकेशन होगा उस हिसाब से आप फॉर्म को भर दीजिएगा। तो उम्मीद करेंगे हम आप लोगों को बढ़िया ढंग से समझा पाए हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स खुला है उस पर कमेंट कीजिए, कमेंट देख करके हम वीडियो बना देते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।